हेलो एंड वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो आज फिर से अपन एक और नया ब्लॉग शुरू कर रहे हैं और आज भी एक क्रिकेट का ब्लॉग है। तो आज आ चुके हैं मैंग भाई के साथ में। उनकी शक्ल से दिख रहा है कि हम लेट हैं। आज पूरे पूजा पाठ करके आए हैं क्योंकि हमारा टूर्नामेंट का मैच है। रनसा एक और प्लेयर को लेते हुए, आज हमारे टूर्नामेंट का मैच है और आज ये सफेदी की झनकार जो आप देख रहे हो क्योंकि हमारा रेड मैच भगत सिंह का ओलमो मिलेगा क्योंकि आज हमारा रेड बॉल से मैच है, इसलिए ये व्हाइट ड्रेस है सबकी। देखो सब सफेद सफेद, हम एक अलग लुक में है। तो चलते हैं, एक नया ग्राउंड है वो भी दिखाएंगे आपको। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि हम लेट हैं, थोड़ा सा जो टाइमिंग हमको बोला था ग्राउंड पे पहुंचने का उससे हम थोड़े लेट हैं क्योंकि आज ये पूजा कर रहे थे कि हम मैच जीत जाए, उसके लिए इन्होंने अखंड पाठ करवाया। तो चलो चलते हैं। और उससे पहले रेड बॉल से मेरे को ध्यान है, चलो आज से अपन एक नई चीज शुरू करते हैं ब्लॉग में। जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी क्रिकेट लवर्स हैं या जो भी हैं, आप मेरे को ये बताना कि इंडिया ने पहला रेड बॉल टेस्ट मैच कब खेला था और उसका कैप्टन कौन था, ये कमेंट में बताना। और जिसका सबसे पहला से सुना ना आपने, रेड बॉल टेस्ट मैच, रेड बॉल टेस्ट, रेड बॉल वनडे भी होता है, वनडे भी होता था पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ। रेड बॉल टेस्ट मैच पहला इंडिया का कब हुआ था, कौन से ग्राउंड पे था, उसका कैप्टन कौन था, ये जो भी कमेंट पे सबसे पहला जो कमेंट होगा उसका नेक्स्ट ब्लॉग में, क्रिकेट के ब्लॉग में शाउट आउट मिलेगा। तो ये आप बताना। अब हम चलते हैं अपने गंतव्य स्थान पर, नहीं तो हमारे कप्तान साहब फिर से रूस जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे। तो It's all about discipline. मैं गोरा करने की मिलाया हूँ ना, गोरा करने की। हाँ। अब जो सोच रहे हैं गोरा करने की क्रीम कौन सी होती है, तो क्रिकेटर है उनको तो समझ में आ गया होगा। अबे आपको आगे दिखाएंगे कौन सी होती है गोरा करने की क्रीम, जो क्रिकेटर नहीं है वो समझ रहे हो। चलो एंजॉय करो आप भी। तो जी पहुंच चुके हैं ग्राउंड पे, अभी एक मैच खत्म हुआ है और अब देखने जा रहे हैं हम पिच को। हम टॉस जीत के बैटिंग लिए हमने, है ना? नहीं, हाँ। नहीं क्या बोला साले, बैटिंग तो टॉस जीत के हमारी है बैटिंग। अब आपको दिखाते हैं पिच कैसा है, कंडीशन कैसी है। मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ, ये नया पिच ही बना हुआ है। मैं लास्ट खेलता था उधर खेलते थे वहाँ ग्राउंड पे, तो इसका दूसरा बना दिया है। चलो देखते हैं पिच और देखते हैं हमारी टॉस जीत के बैटिंग करने का नतीजा कैसा रहेगा। तो ये ऐसा सा पिच है भैया, सूखा हुआ है बिल्कुल। अपन को तो वापस चले जाना चाहिए। सुनो मेरे को दिख नहीं रहा बॉलर के लिए कुछ ऐसा। ठीक है थोड़ी बहुत तो घूम जाएगी, वो तो घुमा देंगे अपन, घुमाने के चक्कर में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा पिच है, ये देखो अभी मार्क्स हो रखे हैं बॉल के, दो मैच हुए इससे पहले, तीसरा मैच है। बैटिंग पिच ज़्यादा है तो ये मेनली बैटिंग पिच है। तो आप बताओ ऐसा पिच देख के आप क्या लेते, पहले बॉलिंग लेते या बैटिंग लेते टॉस जीत के? हमने लिए बैटिंग। तो चलो अब दिखाते हैं आपको, मैच शुरू होता है उसके बाद में, बैट्समैन तैयार हो रहे हैं हमारे और मिलते हैं आपसे बीच बीच में। आज रेड बॉल से मैच है, मज़ा आता है रेड बॉल से खेलने में। मिलते हैं आपसे, मैच शुरू होता है, बड़ा हरा भरा ग्राउंड है भैया। टोपी टोपी अच्छी ना भैया, नहीं टोपी हमारी उल्टी पहन रखी है। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो आगे, चार एक और आगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। आ गया आ गया, हो गया भैया। चलो चलो आ रहे रन। तभी बोल रहे थे भेड़ियों के बीच में बच्चा कैसे,
चलो पंजा आ गया। भैया बॉल के खिलवाया चौका मैंने, बोला था ओए घुमा दी। ये देखिए बॉल घुमाने वाले बल्लेबाज, यहाँ बॉल खेलना खेलने का मन नहीं है, इतनी दूर से आए, बॉल घुमा दी, खेतों मार दिया। ये देखो मौसम देखो, हाय हाय क्या मौसम हो रहा है, इधर को आ रहा है क्या? बारिश आ सकती है, इधर कोई आएगा? अभी तो रुका हुआ है मामला, अभी इधर को थोड़ा आ गया। देखते हैं क्या चलता है, देखते हैं भैया क्या चलता है। एक छक्का जा चुका है, बॉल घूम रही है, वहाँ पीछे ढूंढ रहा है कोई तो ढूंढ रहा है, वो भी नहीं दिख रहा जो ढूंढ रहा है, जो ढूंढ रहा है वो भी खोया हुआ है। और यहाँ बारिश का मौसम बनते हुए देखते हैं कैसा रहता है मैच, आपको दिखाते हैं। अभी देखा आपने, अच्छी शुरुआत है, एक विकेट गया, कप्तान साहब आउट हुए, वो बॉल मिल गई भाई साहब। ये भाई साहब बचपन में इसको घूमते थे, वो नालियों में ढूंढता था ना, वही थे। ये आया पीछे निकल गई छक्का, बढ़िया है। अरे बढ़िया है, गुड फील्ड। अरे ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, ये तो पूर्व ही आ गए बिना हिले चौका। चलो चार रन, चलो शाबाश, दूसरा गुड शॉट। तो 10 ओवर हो चुके हैं, हमारे स्कोर अभी है 87 for 2 wickets, अच्छा स्कोर चल रहा है और सेट हो चुके हैं बैट्समैन, मगर यहाँ पे मौसम पूरा बारिश का बन चुका है, हवा भी चल रही है, तो लग तो रहा है कि बारिश आएगी, पूरा मैच होगा नहीं होगा, मगर अभी चल रहे हैं। देखो कितना लंबा होता है मैच, हम तो चाहते हैं कि 20 ओवर खेल ले उसके बाद आ जाए बारिश। तो अच्छा स्कोर चल रहा है, आपको अब दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छे शॉट्स और दिखाते हैं, उसके बाद में इनिंग ख़त्म होगी वो भी दिखाएंगे आपको कितने रन बने, और फिर बताते रहेंगे आपको, ऐसी अपडेट देते रहेंगे यहाँ पे साथ में, ठीक है? चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये जाजम बिछी ये इस पे बिछा दिया है इन्होंने कवर्स, क्योंकि बारिश आ गई थी और बारिश रुकी नहीं, इस वजह से मैच हो गया कैंसिल। ये देखो बारिश इतनी आ रही है, अब रुक चुकी है लेकिन अब टाइम हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, तो अब चलते हैं घर पे, बुलावा आ चुका है, फालतू लेट करने से मतलब नहीं है ना। ओह डिसअपॉइंटमेंट तो है, दिन ख़राब हो गया पूरा, मैच के मूड से आए थे, लेकिन कोई नहीं चलता है, अब चलते हैं घर पे और कुछ ख़रीदारी करनी है, रक्षाबंधन की ख़रीदारी करनी है तो वो भी करवानी है वाइफ को, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट घर पे या नेक्स्ट जब भी हम निकलेंगे उसके लिए राखियाँ खरीदने के लिए, तब आपसे मिलते हैं। और मैंने शुरू में एक आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब जिसने नहीं दिया है अभी भी दे दो, नेक्स्ट व्लॉग में जब भी आएगा उसमें आपको शाउट आउट मिलेगा, और कल एक और मैच है देखते हैं उसमें क्या होता है, अगर वो भी बारिश से नहीं धुलता है तो वो भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे तो भैंसें चढ़ने लग गई चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो वेलकम बैक, अब जा रहे हैं हम, जैसे कि आप दिख रहा होगा गाड़ी में, और ये देखो ये फरारी वाली आवाज़ आ रही है इसमें, ब्रेक्स में बारिश में कैसी बुरी आवाज़ लग जाती है गाड़ी में, आपके भी आते हो कि बताना कमेंट करके, जिस जैसी गाड़ी में ये दिक्कत होती है, मेरे हिसाब से तो हर किसी के ऑलमोस्ट होती है। तो हाँ जैसे कि मैंने बोला था कि रक्षाबंधन आने वाला है और अब राखियाँ लानी है, तो मैडम जी को लेके जा रहे हैं, कैमरामैन जो हैं उनको लेके जा रहे हैं राखियाँ लाने के लिए। भैया ब्लॉक कर जान दो थोड़ा सा, वैसी गाड़ी में आवाज़ दे जाएगी। थैंक यू। तो अब जा रहे हैं और देखते हैं कैसी राखी मिलती है, कैसी इनको लेनी है, कितनी राखी लेनी? 10। तो 10? हाँ भाई साहब 10 तो लेनी है भाई, इनका एक राखियाँ 10 लेनी है। चलो आपके बेटे की भी तो लेनी है। हाँ वो भी है, वो उसकी काउंट नहीं होती, तो चलो अब लेने चलते हैं और दिखाते हैं आपको राखियाँ, अच्छी अच्छी राखियाँ होंगी मार्केट में।
ओ भैया राखियां राखियां देख लो सब, ये सारी ऐसे एक जैसी लगती है ना दूर से, वैसे नहीं तो दुकान कपड़ों की दुकान पे चले जाते हैं इसे। ये देखो सोफे के गद्दे ये राखियां हैं लेडीज की। कैमरे में कैमरा बढ़िया भैया, क्या क्या चीजें हैं भैया। ये देखो राखी के नाम पे शॉपनर बेच रहे हैं स्कूटर। ये देखो लोगों, अगर भाई पैसे नहीं देना तो गोली मार दो उसके सही तो भैया जी। ये देखो इन मैडम ने पहले तो राखियां खरीद ली, वहाँ फटका लग गया, अब इनको भूख लगी है, तो भूख लगी तो क्या जाना है भैया की दुकान से खा रहे हैं। भैया लोग बोल रहे हो भैया की दुकान है यहाँ पे सिक्किम मोमो हाउस नेशनल एंडम के पास में, जयपुर में जो भी जानता है नेशनल एंडम के पास में वैशाली में कोई भी आ सकता है भैया के पास में, आओ और खाओ। अभी खाते हैं फिर टेस्ट बताते हैं आपको कैसा। चलो तो जी खा पी के आगे मोमोज ठीक ठाक थे, ऐसा कुछ खास नहीं था। इन्होंने पहली बार खाए बोलो जिंदगी, कोई देखा आपने आजकल के जमाने में जो पहली बार मोमोज खाए उसने? और इतने कुछ खास भी नहीं लगे, इतने खास भी नहीं लगे कोई नहीं, मगर इतने ऐसे खराब नहीं थे मगर ठीक थे। उसके बाद में पता नहीं कैसा मोमोज के बाद में हमने लिया है जूस, और जूस के साथ में खत्म करेंगे आज का व्लॉग। ये देखो दो दो ग्लास पपीता शेक अंजीर शेक, तो ठीक है चलो अब ये जूस पीते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि बच्ची घर पे फिर बिना मम्मी के ज्यादा देर रहती नहीं है, ऐसा तो है भाभी साहब। तो अब चलते हैं घर पे, और आज का व्लॉग कैसा बताओ कैसा लगा हो बताना। क्रिकेट का पूरा मैच नहीं हुआ मगर कल एक और मैच है, मतलब नेक्स्ट व्लॉग उसका आएगा, और बताना मैंने जो सवाल पूछा था शुरू में वो उसका भी बताना आंसर जिस जिसको पता है। तो जिसका पहला कमेंट होगा जरूर शाउट आउट दूंगा उसको मैं अगले व्लॉग में। तो ठीक है चलते हैं, और आपने चैनल को अभी तक देखा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर कर दो, कमेंट्स करके बताओ अपने क्या क्या आपको लगता है कैसा लगता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।